यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी रियलमी स्मार्टफोन्स के अंदर लॉक स्क्रीन मैगजीन में जो इश्यूज आ रहे हैं ना उसको कैसे फिक्स करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। मतलब यार काफ़ी सारे कमेंट्स आए, तुम लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किया कि भाई लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर जो वॉलपेपर है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर रियलमी 3 प्रो वाले थे, काफ़ी सारे यहाँ पर रियलमी एक्स वाले थे, काफ़ी सारे यहाँ पर रियलमी C3 वाले थे। मतलब अलग अलग यूजर्स की तरफ से कमेंट्स देखने को मिला है कि भाई लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे फोन में भी ये इशू है और मैं अभी इसको आपको मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले इशू को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं जाके तुम लोगों को दिखाता हूं सेटिंग्स में, उसके बाद में जाते हैं हम सीधा यहां पे लॉक स्क्रीन मैगजीन वाला ऑप्शन पे। तो यहां पे देखो भाई जो लॉक स्क्रीन मैगजीन है वो यहां पे ऑन है और जो रिसोर्सेज डेट है वो भी यहां पे लेटेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं करता हूं सीधा फोन को ऑफ, स्क्रीन को मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं इसको करता हूं सीधा ऑन। तो देखो यहां पे सबसे पहले आ रहा है ये ब्लू वाला वॉलपेपर, लेकिन अगर दोस्तों मैं यहां पे करता हूं सीधा ऑफ और उसके बाद में अगर मैं फिर से करता हूं ऑन तो ये देखो भाई जो वॉलपेपर है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मैं कितनी बार भी करूं जो वॉलपेपर है वो चेंज होगा ही नहीं। अगर दोस्तों राइट स्वाइप या फिर लेफ्ट स्वाइप करते हो तो वॉलपेपर चेंज होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वॉलपेपर है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया इशू तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल एकदम 100% गारंटी है कि इशू सभी के फ़ोन में अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं जो मेन बग है ना वो बग बेसिकली है लॉक स्क्रीन मैगजीन वाले एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो फिलहाल जो वर्जन मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर है 45.6.1.7। तो इस वाले वर्जन के अंदर मतलब इस वाले वर्जन या फिर हो सकता है जो 45.6 वाले जितने भी वर्जन है उस सबके अंदर आपको बग देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मेरे फोन में इस वाले वर्जन के अंदर पर्टिकुलर बग आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया तो जो बग है ना वो सॉल्व हो गया। तो आपको क्या करना है इस इशू को सॉल्व करने के लिए, आपको बस लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। अब लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने का दो तरीका है, एक तो भाई आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर लो, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उससे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको वेट करना होगा ऑफिशियल OTA के लिए, मतलब जो अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे उसके थ्रू आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन मैगजीन का न्यू वर्जन। लेकिन वो कब मिलेगा, मतलब OTA कब तक आएगा, आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन वाला जो एप्लीकेशन है उसके कोई न्यू वर्जन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसके रिगार्डिंग कोई गारंटी नहीं है, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए डाउनलोड करते हो तो ये जो इशू है ये अभी का अभी सॉल्व हो जाएगा। तो जा तो भैया मैं सीधा यहाँ पे फाइल मैनेजर में, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो 40.6.7.6 ये बेसिकली है लॉक स्क्रीन मैगजीन का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ इंस्टॉल, यहाँ से मैंने कर दिया इंस्टॉल। मैं आपको बता दूं जो लॉक स्क्रीन मैगजीन का नेम है ना वो भी यहाँ पे चेंज होने वाला है, जब रियलमी UI 2.0 का अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको ली हुआ ऐसे मतलब क्या पता नहीं नाम है ली हुआ करके आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो कि भैया है लॉक स्क्रीन मैगजीन। अब दोस्तों मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पे सेटिंग में, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लॉक स्क्रीन मैगजीन में तो देख पा रहे हो जो ली हुआ वर्जन है या ले हुआ पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ना यहाँ पर जो वर्जन है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है और फिलहाल जो रिसोर्सेज डेट है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। मैं आपको जाके यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो वर्जन है 40.6.7.6। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिसोर्सेज डेट है वो अपडेट हो चुका है, मतलब अभी फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है लेटेस्ट रिसोर्सेज डेट इस ली हुआ वाले एप्लीकेशन के अंदर, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करना है फिर से मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मैं करता हूँ अभी स्क्रीन को ऑफ और उसके बाद में मैं अगर करता हूँ स्क्रीन को ऑन तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आया ये ब्लू वाला वॉलपेपर, इसके बाद में अगर मैं दोबारा करता हूँ इसको ऑन और मतलब ऑफ और ऑन तो देखो जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा करता हूँ देखो फिर से न्यू वॉलपेपर आ गया, फिर से मैं करता हूँ फिर से न्यू आ गया। तो ऐसे अगर मैं करता जाऊँगा ना तो हर बार मुझे यहाँ पे न्यू वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो मतलब यार जो वो इशू था उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया जो मेन बग था वो लॉक स्क्रीन मैगजीन वाले ऐप के अंदर था, मतलब जो वर्जन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उस वाले पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर बग है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब अगर आपको सॉल्व करना है इस बग को तो आप अभी फिलहाल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लो, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लो, जो बग है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हाँ मैं आपको बता दूं जो APK है वो 100% सेफ है। मतलब काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे टेंशन में आते हैं कि भाई जो APK है इसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी ऐसे APKs मतलब ऐसे फालतू के APKs में बिल्कुल भी शेयर नहीं करता, 100% जेन्युइन एंड सेफ APK है, आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में अगर ये इशू फिक्स होता है तो मुझे एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे थे और उसमें ये जो इशू आ रहा
था ना लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर, ये फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी मुझे एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हाँ, काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई जो न्यू वर्जन है उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद में ऐप मैनेजमेंट में चले जाओ, उसके बाद में ऐप लिस्ट में चले जाओ, उसके बाद में आपको यहाँ पे ली हुआ करके या फिर जो भी यार जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था, ये रहा लॉक स्क्रीन मैगजीन के नाम से आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना है फोर स्टॉप, ठीक है। जैसे आप फोर स्टॉप करोगे आपको ऊपर टू डॉट एक मतलब यहाँ पे आपको ऊपर राइट कॉर्नर में टू डॉट देखने को मिलेगा। इस टू डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अनइंस्टॉल अपडेट्स का एक ऑप्शन आएगा, इस पे इसके ऊपर सिंपल सब क्लिक कर दो, उसके बाद में आप यहाँ पे कर दो ओके। जैसे ही आप ओके करोगे जो ये ली हुआ एप्लीकेशन था मतलब जो लॉक स्क्रीन मैगजीन का अपडेटेड वर्जन आपने इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपके फ़ोन में जो पुराना वर्जन इंस्टॉल था वो सक्सेसफुली वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे आप पुराने वर्जन में वापस आओगे जो इशू है ना वो वापस से आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो वॉलपेपर है वो दोबारा से वही हो जाएगा, मतलब एकदम बेसिक से खिसे पिटे वॉलपेपर आ जाएगा और वो भैया चेंज नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन देखो फिर से यहाँ पे अटक गया है, देखो ये लो मैं फिर से चेंज हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेन इशू है वो लॉक स्क्रीन मैगजीन ऐप के अंदर ही है, आप बस न्यू वर्जन को इंस्टॉल कर लो, जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो हमेशा स्मार्ट रहिए।